नागपुर शहर में एक बार फिर नाबालिग लड़की को देह व्यापार के अड्डे में झोंकने का मामला सामने आया है, जिसमें चौंकाने वाली बात तो यह है कि आर्थिक परेशानी का फायदा उठाते हुए दलालों ने एक नौवीं में पढ़ने वाली छात्रा को देह व्यापार के दलदल में फेंक दिया। जब अपराध शाखा पुलिस ने कोराड़ी क्षेत्र में महिला दलाल के घर में चल रहे देह व्यापार के अड्डे पर छापा मारा, तब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। मिली जानकारी के अनुसार कोराड़ी क्षेत्र की 15 वर्षीय छात्रा के पिता का देहांत हो गया था, जबकि मां बर्तन मांजने का काम करती है। छात्रा 9वीं कक्षा में पढ़ती है। घर की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वह स्कूल की फीस नहीं भर पा रही थी, इससे उसे पढ़ाई छोड़ने की नौबत आन पड़ी थी। इधर छात्रा पढ़ाई में काफी होशियार थी और इसी का फायदा उठाकर पूजा नामक महिला ने उसे दोस्ती का हाथ बढ़ाया और इसके बदले में उसे ग्राहकों के साथ संबंध बनाने की शर्त रख डाली। पढ़ाई करने के नाम पर छात्रा ने भी महिला की बात कबूल कर ली। आपको बता दें कि कुछ महीने से महिला दलाल अपने पति और एक सहेली के माध्यम से छात्रा से देह व्यापार कर रही थी। आरोपियों ने छात्रा को नए कपड़े, स्कूल की ड्रेस और किताबें भी लाकर दे दी थी। महिला दलाल उसे रोज नए ग्राहकों के सामने पेश करने लगी। जब पुलिस ने उसे पकड़ा तो उसकी सारी बातें सुनकर पुलिस भी कुछ देर के लिए दंग रह गई और ये सोचने पर मजबूर हो गई कि किसी की आर्थिक परेशानी का फायदा उठाकर कैसे किसी मासूम बच्ची को देह व्यापार के दलदल में झोंक दिया जाता है। आम्हाला गोपनीय बातमीदारांमार्फत माहिती मिळालेली होती की एक अल्पवयीन मुलीचं जैन रेसिडेन्सी म्हणून आहे कोराडी हद्दीमध्ये, तिथे वेश्याव्यवसाय करून घेतला जातो म्हणून अशी आम्हाला माहिती मिळाली। त्यानुसार आम्ही त्याची अधिक माहिती काढून आणि तिथे सापळा रचून आम्ही त्या मुलीची सुटका केली। अल्पवयीन जी मुलगी होती 14 वर्षाची होती आणि जी जैन रेसिडेन्सीमध्ये जी बाई होती तर तिने त्या मुलीकडून वेश्याव्यवसाय करून घेत होती। पिंकी नावाची ही बाई आहे, हिने याच्या पूर्वी पण हिच्यापासून व्यवसाय करून घेत होती। मग आता जेव्हा आम्ही तिला रेस्क्यू केलं मायनर मुलीला आणि आरोपीला विचारलं की तू असं का करून घेत होती या मुलीकडून, तर तिचं असं म्हणणं होतं की मला माझ्या मुलीचं अभ्यासाचं शिक्षण आणि इतर खर्च मला हे पुरवायचे होते म्हणून मी या मायनर छोट्या अल्पवयीन मुलीकडून मी असा व्यवसाय करून घेत होती। आणि जी अल्पवयीन मुलगी होती हिला वडील नव्हते आणि आई भाजीपाल्याचा वगैरे धंदा करायची, मूल म्हणजे भाऊ आणि बहीण होते, बहिणीचं लग्न झालेलं होतं, भाऊ होता। मग ह्या ज्या गरिबीचा तिच्या अगतिकतेचा फायदा घेऊन तिच्याच घराशेजारी एक राहणारी होती पूजा नावाची बाई, तिने हे केलं की तुला मी काही पैसे देते आणि तुला असं छोटंसं काम करावं लागेल म्हणून। मग असं करता करता ह्या जी अल्पवयीन मुली आहे हिला काही समज येण्याच्या पूर्वीच तिच्याकडून अशा प्रकारचे व्यवसाय करून घेतले जात होते आणि त्यानंतर आम्ही या मुलीला कोराडी हद्दीमधून रेस्क्यू केलेला आहे। NBC न्यूज के लिए कॅमेरा पर्सन अखिलेश भरद्वाज के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट।